तो स्मैकडाउन के अंदर सोलो की हरकतें देख के तो ऐसा लग रहा है कि WWE वाले ब्लड लाइन की जो कहानी है ना उसे रुकने देने वाले नहीं है, बिकॉज अब बारी आ चुकी है रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोए के मैच की। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ऑफ कोर्स रोमन रेंज अनडिस्प्यूटेड टाइटल हार गए हैं, लेकिन रिसेंटली स्मैकडाउन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि उसके बावजूद भी ब्लड लाइन की कहानी रुकने नहीं वाली है। इसके बाद भी WWE के पास कुछ प्लान है और क्या अब रोमन वर्सेज सोलो प्लान हो रहा है। बाय द वे क्या हुआ स्मैकडाउन के ऑफर में उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज सोलो वहां आ चुके हैं अंकल हाउडी का टीज, बेली का टाइटल डिफेंस और भी कुछ अपडेट तुम्हें जानने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वीडियो को शुरू में अंकल हाउडी के साथ करने वाला हूं, बिकॉज अगर तुम लोगों ने रिसेंटली मंडे नाइट रॉक शो देखा होगा वहां पे भी जब पूरा कहते हैं ना बीच में कुछ ग्लिचेस वगैरह दिखे फैंस को जब कोई वेन्यू के अंदर बैठे थे और उन्होंने वीडियो क्लिप डाली थी, तो सेम वैसी ही चीज हुई है रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड में भी। मैं वीडियो क्लिप डाल दूंगा स्क्रीन के सामने, तुम लोग देख लेना। यहां जो स्मैकडाउन को लोग जो ट्रेट्रॉन स्क्रीन वगैरह सब चीजें वो ब्लिंक कर रही थी, वो फ्लैश कर रही थी, कुछ अजीब सी जो आवाज है वेन्यू के अंदर चल रहे थे जो कि पॉसिबली फैंस कह रहे हैं कि वो अंकल हाउडी का टीज है। जब ब्रे वायट के एक बार फिर से कमबैक हुआ था WWE कंपनी में वो वाइट रैबिट वाली चीज, ऐसे ही ग्लिचेस हमें सारी चीजें दिखाई दी थी और ये क्लियर है एकदम क्लिस्टर क्लियर चीज है कि अंकल हाउडी का ही टीज है और डेफिनेटली अंकल हाउडी वापस आएंगे। तुम लोग को एक और अपडेट देता हूँ कि कल रात को हुआ क्या, मैंने मे बी अभी वो होगी चीज मुझे अभी इतना नहीं पता है। मैंने ट्विटर के ऊपर एक वीडियो डाली थी, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके देख लेना। अगर तुम लोग WWE.com/howdy सर्च कर रहे थे तो तुम्हें एक अंकल हाउडी की वीडियो दिखाई देती या फिर बेसिकली ब्रेव आर्ट का जो साइन था उसकी वीडियो दिखाई देती और उसको तुम कंबाइन करते पूरा लोगो कंप्लीट हो जाता। तो ये सारी चीजें एक तरफ क्लियर इंडिकेशन है कि अंकल हाउडी इज डेफिनेटली कमिंग बैक और ये स्मैकडाउन का शो के अंदर जो पूरा टीज वीज था WWE का उसी चीजें और कहीं ना कहीं सॉलिड हो जाती है कि भैया अंकल हाउडी अब आने ही वाले। बात हम लोग सीएम पंक के बारे में करते हैं। सीएम पंक का जो WWE कमबैक है या फिर WWE की जो आने वाली अपीयरेंसेस है रिसेंटली कंपनी ने कंफर्म कर डाली है। अब रिटर्न क्या ही होगी वो तो हर हफ्ते दिखाई दे रहे हैं और WWE ने रिसेंटली कंफर्म कर डाला है कि सीएम पंक दोनों नाइट के ड्राफ्ट का भी पार्ट बनने वाले हैं। WWE ड्राफ्ट स्टार्ट होगा इस महीने के एकदम एंड में जो कि होगा अभी फिलहाल अपना अप्रैल के एकदम लास्ट में, डेट्स भी फिलहाल आई है 26 और 29 वाली और इन दोनों डेट्स के ऊपर सीएम पंक भी अपीयर होंगे, ये बात कंपनी ने कंफर्म कर डाली। तो मजा आएगा सीएम पंक जब WWE ड्राफ्ट का पार्ट बनते हैं, मुझे देखना कि WWE ने कौन सी ब्रांड में ले जाती है। आई ट्रूली वॉन्ट कि जिस ब्रांड में रोमन रेंज अगर उस ब्रांड में सीएम पंक हो चाहे वो स्मैकडाउन हो चाहे वो रॉ हो बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज इन फ्यूचर एक छोटी सी इंटरेक्शन तो हो ही जाएगी ना किसी तरीके से। बाकी देखो WWE किस तरीके से बुक करती है सीएम पंक को, मुझे जहां तक लगा है मोस्ट प्रोबेबली वो उसी ब्रांड में होंगे जहां ड्रू मैकइंटायर जाएंगे। बात हम लोग बेली के बारे में भी कर लेते हैं, बिकॉज रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के बाद WWE ने जो बेली का पहला टाइटल डिफेंस है वो भी ऑफिशियली हमें अनाउंस कर डाला है। जिन लोगों ने स्मैकडाउन नहीं देखा होता है एक छोटी चीज होती है बेली आई रिंग के बीचों बीच में, वहां से टिफी आती है, टिफी के बाद नयोमी आती है और बेली चाहती है कि नयोमी के खिलाफ डिफेंड करें, इसलिए टिफी एंड नयोमी के बीच में एक मैच होता है, मैच का रिजल्ट आता है नयोमी के फेवर के अंदर और इसलिए अब अगले हफ्ते के लिए WWE ने जो बेली का पहला टाइटल डिफेंस है वो ऑफिशियली वे में अनाउंस कर डाला है और अब जो बेली है वो फेस करने वाली है अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने वाली है नयोमी के खिलाफ एक सिंगल्स मैच के अंदर। तो ये कुछ अनाउंसमेंट हुई बेली के पहले टाइटल डिफेंस को लेकर। ऑफकोर्स पहले टाइटल डिफेंस में नहीं आ रहेंगी, लेट्स सी किस तरीके से बेली की टाइटल रेंज आती है, बिकॉज उनका जो पहला टाइटल डिफेंस है वो अगले हफ्ते के लिए शेड्यूल भी हो चुका है। बात करते शो की ऑफ ईयर के अंदर क्या कुछ चीजें होती हैं, तो शो के मेन इवेंट में हमने देखा एजे स्टाइल्स जीत चुके हैं, वो नंबर वन कंटेंडर हैं अगले हफ्ते, अब वो एले नाइट का फेस करेंगे और उसका जो विनर है वो बैकलैश के अंदर कोडी का फेस करेगा इंडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो जब एले नाइट एंड एजे स्टाइल्स आमने सामने आते हैं एक ऑफ ईयर वीडियो क्लिप के अंदर ये बात रिवील हुई भाई दोनों की चीजों के बीच में एकदम चीजें ना एकदम हीटअप हो जाती हैं, इवन एले नाइट अपने कपड़े वपड़े उतार देते हैं मारने के लिए, लेकिन उसके बाद जाके ऑफकोर्स रेफरी चीज सेटल डाउन करवा देते हैं यहाँ पे और ज्यादा कुछ भसड़ वसड़ हमें नहीं दिखाई दी बिकॉज रेफरीज काफी सारे बीच में आ गए थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शो पर इसके अलावा क्या चीज हुई, तो कोडी रोड्स का भी मैच हुआ है और हमारे अमेरिकन नाइटमेयर सिंगल्स मैच में फेस करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो का एंड ऑफकोर्स इस मैच के अंदर कोडी रोड्स की विक्ट्री हो चुकी है। बाय द वे इसके अलावा शो के ऊपर सोलो का भी मैच होता है एंड सोलो जो कि इतनी हवा झाड़ रहे थे स्मैकडाउन के शो के अंदर उनकी ऐसी तैसी होती हुई नजर आई बिकॉज वो फेस करते हैं जे उसो का एक सिंगल्स मैच के अंदर एंड ऑफकोर्स मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो जे उसो की हो चुकी है और उन्होंने सोलो को हरा डाला है और सोलो बात कर रहे थे टेलीविजन के ऊपर कि भैया हारना और जीतना मैटर करता है। चलो बाय द वे आज की जो हमारी फाइनल स्टोरी है वो सोलो के बारे में जुड़ी है। सोलो ने रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में टामा टोंगा जो भी उनका नाम था उनको लेके आए कंपनी के अंदर, उन्हें अपने साथ में एकदम ज्वाइन वो इन करवा लिया और जो तूफान उन तोड़ दिया था ना उन्होंने पॉल हेमन का उसे ये बात तो पता लग रही है भाई वो रोमन को लेके हल्का सा तो बंदा फ्रस्ट्रेट है और इवन रोमन रेंस आ रहे रेसलमेनिया 40 के अंदर तो जो ताना वो जिमी उसो को मार रहे थे ना कि भैया हारना जीतना मैटर करता है उसका कॉन्सिक्वेंस होता है अगर तुम हारते हो, तो वो चीजें बताया जा रहा है कहीं ना कहीं रोमन पे भी अप्लाई होंगी इवेंचुअली। अब सीन क्या होगा कंपनी के
अंदर कि सोलो अपने आप को ट्राइबल चीफ मान रहे हैं जबकि वो ट्राइबल हेयर हैं। ये चीज लीड करेगी आने वाले टाइम में जब रोमन रेंस कम बैक करेंगे एक फ्यूड की तरफ जो कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो का होगा। रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है सामने उसके अकॉर्डिंग रोमन वर्सेस सोलो का मैच तुम्हें इस साल ही देखने को मिलने वाला है। फिलहाल ये बात या फिर लोकेशन जो कन्फर्म नहीं है, वो समर स्लैम में होगा, वो लेटर डाउन ऑन द रोड होगा, लेकिन ये बात कन्फर्म है साल 2024 तुम्हें रोमन और सोलो का फ्यूड दिखाई देगा। जो सारे एक्शन आज किए थे सोलो ने वो एक तरह के कहते हैं ना सीड्स प्लांट थे रोमन रेंस के एक बार फिर से कमबैक की तरफ, जहां ट्राइबल चीफ आके फेस करेंगे सोलो का एक सिंगल्स मैच एक सिंगल्स राइवलरी में। अब ये फ्यूड इंटरेस्टिंग इसलिए बन रहा है क्योंकि टाइटल तो है नहीं बीच में, तो टाइटल हारना जीतना अनप्रेडिक्टेबल है थोड़ा, और हो सकता है मे बी जस्ट सोलो हरा दे रोमन रेंस को, हु नोस, बिकॉज उस बंदे ने लास्ट टाइम जॉन सीना को हराया एंड तब से मैचेस हार रहा, वो अलग बात है। बाकी देखो क्या होता है, फिलहाल यही कुछ अपडेट में तुम लोग को दे सकता हो कि इस साल के लिए प्लान्ड है रोमन रेंस वर्सेस सोलो का मैच। तुम लोग क्या एक्साइटेड हो? आई नो पूछना बनता नहीं, लेकिन फिर भी तुम कौन सी टीम में हो, टीम सोलो या फिर टीम रोमन, बताना कमेंट सेक्शन में। मुझे पता है सब टीम रोमन में ही होंगे, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर कोई सोलो का फैन है बता सकता है कमेंट सेक्शन में। बाय द वे अगर तुम लोग ये वाली वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।